जीवित जुड़ के ने, बिना बुआ वाह जी जीवित वाह, जुड़ के ने। ये देखो सूर्य देव के आप दर्शन करो, ये देखो फिर से ये सूर्य देव के वहां हो रहे हैं विंडो में से। नहीं, किसी और एंगल से या बाहर इस भजन के बाद ना विंडो में नहीं जाके बाहर दिखा सकते हो हैं। रहे हैं अंकल, हो रहे हाँ हैं। ठीक है, तो मैं वहां पर हाँ जाके भी आपको करवा देता हूँ दर्शन। ये सूर्य देव को प्रणाम। भगवान जो सूर्य देव के रूप में तो साक्षात जो दर्शन देते हैं, साक्षात वो प्रभु की, ये प्रभु की महिमा है, प्रभु का ही रूप है। भगवान सूर्य भगवान भी कहते हैं ना, तो सूर्य भगवान हमारे जीवन हमें बख्शते हैं, उन्हीं की कृपा से सारे सब्जियां सब फल फूल हैं, सारी वनस्पति तो उन्हीं की कृपा से सब कुछ तैयार होते हैं। तो उनको प्रणाम है, सूर्य देव को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, सूरज कब दूर किरण, सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का मेरा तो राम भी तू है, मेरा घनश्याम भी तू है, मेरा तो राम भी तू है, मेरा घनश्याम भी तू है, मेरा भगवान भी तू है, मेरा ईमान भी तू है, सतगुरु जी तेरे दर आया हूँ, ये फरियाद लागे ना सिमरन में मन भटक भटक जाता है, लागे ना सिमरन में मन भटक भटक जाता है, बैठूं जो पाठ करने तो मन जग में अटक जाता है, बैठूं जो पाठ करने तो मन जग में अटक जाता है, कैसे मन को समझाऊं, कैसे इस पे काबू पाऊं, कैसे विषय विकार मिटाऊं, अच्छा इंसान बन पाऊं, सतगुरु जी तेरे दर आया हूं, ये फरियाद आदर्श जीवन था मेरे पूज्य माता पिता
मुझ पे भी कृपा कर दो, गुरु प्रेम से जीवन भर दो। मुझ पे भी कृपा कर दो, गुरु प्रेम से जीवन भर दो। माँ बाप की राह पे चलूं मैं, मुझको प्रभु ऐसा वर दो। माँ बाप की राह पे चलूं मैं, मुझको प्रभु ऐसा वर दो। सतगुरु जी ये फरियाद आया हूँ, बापू जी तेरे दर आया हूँ, राधा जी कृष्णा जी तेरे दर आया हूँ, राधे श्याम सीता राम शरधा राम तेरे दर आया हूँ, ये फरियाद आया हे प्रभु। ऐसी कृपा करो कि मन लगे महाराज, अब तो सिमरन में मन नहीं लगता, भटक जाता, जैसे ही बैठने लगते हैं तो इधर उधर का ख्याल आने लगता है, कभी ये ख्याल आता है चलो 5 मिनट एक देख लेते हैं, कोई न्यूज का पता लें क्या आ रहा है, या कभी कुछ और, कभी मिनट लगेंगे ये फोन फोन की बात कर लें कि जरूरी करनी है इंडिया ये वो, ऐसे चक्रों में मारा है, ऐसे मन तो लगता ही नहीं है ना, ख्याल तो जैसे ही बैठने लगते हैं तो ख्याल दसों दिशाओं में इधर उधर भागने लगता है, इधर उधर दौड़ने लगता, मन लागे ना सिमरन में, मन भटक भटक जाता है, बैठू जो पाठ करने तो मन जग में अटक जाता है, कैसे मन को समझाऊं, कैसे इस पे काबू पाऊं, इस पे काबू पा लिया तो बस फिर तो एकदम हम बादशाह बन जाएं महाराज, ऐसी कृपा करो कि हम बादशाह बन जाएं, अभी तो गुलाम है, गुलामी कर रहे हैं इन सब की, ये अपनी इच्छाओं की, अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार द्वेष भावना सब ये है ना, इच्छाओं पे अभिलाषाओं पे आस, तो इसके ऊपर सारा समय बिता रहे हमारा, इसके गुलाम होके बैठे, अपनी जीभ के गुलाम है, सारी इंद्रियों के गुलाम बन के बैठे, ये खा लू वो खा लू, मीठा खा लू वो खा लू, रस मलाई खा लू मैं, पनीर के वो खा लू मैं, ये परोठे खा लू, ये तो इसलिए शरीर नु खुश भी रखना है ना सर, शरीर नु खुश भी रखना है ना, इधर भी ये तो मकान है ना, ये मंदिर है, इन खुश भी रखना साड़ा फर्ज है ना। हाँ बिल्कुल, नहीं जिन्हें जरूरत है उन्हें जरूर खाओ, थोड़ा बहुत जरूर खाओ, लेकिन हम गुलाम बने बैठे हैं ना, पोखरे नहीं गुलाम भी खा लेने सारा दिन, मैं कहना मोस्टली लोग जो है ना बिना भूख के खाते हैं, चलो भी खाने के लिए खाना है और कुछ ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है खाने के लिए, वो संत लोग पता है एक टाइम खाते हैं, एक टाइम या एक रोटी एक टाइम पे बस, इतना तो जितना जरूरत, तो शरीर को इतनी जरूरत है ही नहीं, मैंने तो खुद इतनी इतना उपवास करके देखा है जिसका कोई हिसाब नहीं, 108 घंटे चार चार दिन मैं रहा हूँ, कोई जरूरत होती नहीं ना शरीर को, इतनी जरूरत बनाई नहीं है जितना बना के रखा है, सारा दिन ठूसते जा रहे हैं उसमें, मतलब ये जो जो इंद्रियां, ये जीवा छोटी सी जीवा है उसके गुलाम बने बैठे हैं, 6-6 फुट के हम जवान है लेकिन इसके गुलाम गुलामी कर रहे हैं, स्वाद की गुलामी कर रहे हैं, कोई स्पर्श की गुलामी कर रहा है ना, कोई सी हर तरह की गुलामी में लगे हुए हैं, बादशाह बना हमारा, बादशाह बना दे सबको, ये गुलामी से दूर कर प्रभु, ऐसा बना दे हैं, अच्छा इंसान बना दे, अच्छा इंसान बना दे महाराज, जो मेरे माता पिता की जो मैं बात कही है कि कैसा आदर्श जीवन था मेरे पूज्य माता पिता का, नित नेम पाठ पूजा में प्रभु की चर्चा कर ली, प्रभु की गीत गा लिए, प्रभु के गीत सुन लिए, आरती कर ली, भगवत गीता पढ़ ली, सुखमणि साहब कर लिया, जपजी साहब नित नेम सारा कर लिया, और प्रभु के शाम को हो गया फिर आरती, फिर सत्संग, कभी मतलब इस तरह का सारा उनकी चर्चा, उन्हीं की बात, उन्हीं की याद,
उसी में अपना दिन गुजार लिया। तो ऐसा दिन गुजरता, नित्यनेम पाठ पूजा में दिन सारा ही कटता, मुझ पे भी कृपा कर दो, गुरु प्रेम से जीवन भर दो, माँ बाप की राह पे चलूं मैं, मुझको प्रभु ऐसा वर दो, सतगुरु जी तेरे दर आया हूं, ये फरियाद लाया हूं, ये मेरी परेशानी मारा, ये मैं अपनी फरियाद, ये अपनी एक आशा लेकर आया हूं, एक मेरी ये आप सॉल्व करो महाराज। ओम बापू शारदा राम जी महाराज कृपा करो। थैंक यू आपकी सदा। जय राधे कृष्ण की, जय सीताराम की, जय राधे श्याम की, हर भगवान की, सभी संत महान सबको कोटि कोटि प्रणाम। वाह जी वाह, सारी संगत को सत करतार, बापू जी की जय जयकार। हाँ जी।